नमस्ते, आप सबका स्वागत है वॉइस ऑफ डोगरास के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप जानते हैं, हम जम्मू कश्मीर के इतिहास और उसकी संस्कृति और खासकर जम्मू संभाग, जिसको हम जम्मू डिवीजन या जम्मू प्रोविंस भी कहते हैं और जिसके अंदर अभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति के बारे में हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। साथ में जम्मू क्षेत्र जो हुआ उसके वहां पे रहने वाले लोगों की अगर कोई सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या कोई उनकी एस्पिरेशंस है उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारी इसी श्रृंखला में हम एक ऐसे लोकनायक, ऐतिहासिक लोकनायक, हिस्टोरिकल फोक, जो कहते हैं फोक हीरो, उनके बारे में बात करेंगे। और उनका नाम है मियां डीडो। उनके लिए ऐसा भी कहा गया है कि जम्मू की पहाड़ियों के या जम्मू क्षेत्र के वो रॉबिन हुड हैं। तो ये कंपैरिजन कहाँ तक फेयर है, नहीं है, वो जब हम उनके बारे में सुनेंगे तो हम अपने आप ही एक अंदाजा लगाएंगे। पर मियां डीडो पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज एक जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है राधा, उनका नाम है शिवाली जम्वाल, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने जो एमफिल की थी उनका जो रिसर्च टॉपिक था वो मियां डीडो पर था। तो एक खुद भी डोगरा होने के साथ साथ और एविड इंटरेस्ट रखने के साथ साथ डोगरा हिस्ट्री में वो इस सब्जेक्ट पे काफी पकड़ भी रखती हैं। तो शिवाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ डोगरास के यूट्यूब चैनल पर। आई थिंक आप पहली बार आ रही हैं और आई थिंक दिस विल नॉट बी द फर्स्ट और द लास्ट टाइम, रादर नॉट द लास्ट टाइम। सो वेलकम। एंड बहुत टाइम वेस्ट नहीं किए बगैर मैं आपसे सीधा पूछूंगी मियां डीडो के बारे में, क्योंकि ये जो हमारे फोक हीरोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अनफॉर्चुनेटली कहीं हमारी कलेक्टिव मेमोरी से या जो अभी हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उनको ज्यादा मालूम नहीं है। एक दो स्थान हैं, एक दो ऐसे मेमोरियल्स हैं इनके नाम पे या स्टैचू लगे हैं, लेकिन जनरली लोग अब भूलना शुरू हो चुके हैं कि कौन थे वो, क्या कहानी थी, कॉन्टेक्स्ट क्या था हिस्टोरिकल, उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें कहीं लुप्त हो रही हैं। सो आप आई थिंक लेट मी स्टार्ट विद आस्किंग यू कि कौन थे मियां डीडो, उनके बारे में थोड़ा आप कुछ बताएं उनके और उनकी फैमिली के बारे में। नमस्ते मनु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर टेकिंग अप सच टॉपिक्स। ये बड़ा जरूरी है कि हमारे डोगरा लोग जो हैं वो डोगरा हीरोज के बारे में जाने। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सच में ऐसा है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, जानना चाहते भी हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने बोला है कि आप प्लीज शेयर कीजिए, तो जानना भी चाहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज किया, थैंक यू। एंड आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हु वॉज मियां डीडो, तो अगर कम शब्दों में तो इनके बारे में हम बोल ही नहीं सकते, अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो बहुत कम है इनके लिए। तो मियां डीडो एक डोगरा गुरीला वॉरियर थे, जिनको जैसे आपने बोला कि रॉबिन हुड ऑफ जम्मू भी थे, और इनका जन्म नगरोटा में जगती गांव में हुआ था 1780 में। इनके पिता का नाम मियां हजारा था, जिन्हें हम मियां हजारी भी बोलते हैं। और मियां हजारी जो है वो भी रॉयल फैमिली के लिंक में है, वो भी उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, क्योंकि महाराजा हरिदेव जो थे उनके जो पांचवें बेटे दिलीप सिंह थे, एंड मियाँ हजारा इज फ्रॉम दी फिफ्थ जनरेशन ऑफ दिलीप सिंह। सो उनका भी जो है रॉयल फैमिली से लिंक है। और मियाँ डीटो जो है इन्होंने एक ब्रेव, पैट्रियॉट, सेल्फलेस मैन ऑफ डिग्निटी एंड विद इमेंस मस्क्यूलर पावर एज वेल, तो ये सब उनकी क्वालिटीज हैं। ये फिर भी बहुत कम शब्द हैं उनके लिए। और उन्होंने सिख ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, साहूकारी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उन्होंने अपना जो शुरू किया था उन्होंने अपना अभियान, और उनके साथ बहुत सारे डोगरा यूथ उस टाइम जुड़ चुके हैं। तो ये है हमारे मियां डीडो, जो उस टाइम पे यूथ के लीडर बने, लोगों के लीडर बने और एक आइकन बने, डोगरा आइकन बने। अगर मैं आपसे पूछूं शिवाली जी कि उस समय ऐसा क्या हो रहा था, ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से मियां डीडो को आगे बढ़कर आना पड़ा, क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था? बिकॉज हम ऐसा आपने कहा कि वो एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने काफी जो सिस्टमिक जो शायद ऑपरेशन था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने गुट बनाए, उनके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े। तो इस पर थोड़ा सा आप ये रोशनी डालिए कि उस वक्त क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको इस तरह से एक नेता की तरह, लोक नेता की तरह उभर के आना पड़ा। मनु जी, उसके लिए हमें पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो जैसे आपने पूछा कि क्या चल रहा था, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी हमारे नेबरिंग स्टेट्स में कि उस जिसका असर डायरेक्टली जम्मू पे हुआ। जैसे कि उस टाइम पे अहमद शाह, उस टाइम से पहले की मैं बात कर रही हूँ, महाराजा रणजीत देव के टाइम की, ही रूल्ड फ्रॉम 1742 टू
1781 अप्रोक्सीमेटली, ये डेट्स थोड़ी चेंज होती है सभी की बुक्स में। तो महाराजा रणजीत देव के टाइम पे एक तो अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन हो रही थी पंजाब वाली साइड, और दूसरी बात मुगल एम्पायर वॉज डिसइंटीग्रेटिंग, एंड थर्ड एक जो और इम्पोर्टेंट थिंग थी वो थी कि सिक्स वर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स, एक कॉन्फेडरेसी वो बना रहे थे। तो टोटल जो है 12 सिख के ग्रुप्स बने थे, 12 जिन्हें हम सिख मिसल बोलते हैं। और ये जो उस टाइम पे क्या था कि जब अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन हो रही थी, फिर भी हमारा जो जम्मू स्टेट है वो प्रॉस्परस था, मतलब महाराजा रणजीत देव ने हमारे जो स्टेट है उसको प्रॉस्परस रखा, इन तीन चीजों से बचा के भी हमारे स्टेट को प्रॉस्परस रखा, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमारा जो जम्मू है उसकी स्ट्रैटेजिकल मतलब उसकी ज्योग्राफी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कश्मीर से ये सेपरेट होता है पीर पंजाल रेंज से, और पीर पंजाल रेंज में बहुत से ट्रेड रूट्स हैं, कैरेवन रूट्स हैं। तो और अगर हम साउथ वाली साइड चले जाएं तो वहाँ पंजाब में पंजाब गुरदासपुर टच होता है, सियालकोट टच होता है, काफी जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है वो टच होते हैं। तो जम्मू वॉज अ सॉर्ट ऑफ बफर स्टेट, वो कश्मीर और पंजाब के बीच में बफर स्टेट था, प्लस यहाँ से काफी ट्रेड रूट्स पास हो रहे हैं पीर पंजाल से, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे नेबर्स के लिए कि जम्मू को इन्वेड करें, और साथ में प्रॉस्परस भी था तो जो सिख है और मतलब सभी जो है उनकी नजर थी हमारी स्टेट पे। तो ये उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशंस थी। और अगर हम देखें अजीत सिंह के टाइम की बात है, महाराजा अजीत सिंह के टाइम की बात है, जब तीन हम सिख मिसल्स की बात करेंगे, सुपर चकिया मिसल, हंगी मिसल और कन्हैया मिसल, इन तीनों की नजर जो है उस टाइम पे जम्मू पे। तो अब क्या है, हमारे जो महाराजा रणजीत सिंह की फैमिली में थोड़ी डिसेंशंस आ गई, कुछ जैसे दो बेटे थे उनके, ब्रजराज देव और दुलेल सिंह। तो ब्रजराज देव जो है वो चाहते थे गद्दी पे बैठना, लेकिन महाराजा चाहते थे दुलेल सिंह बैठे। तो ब्रजराज देव ने थोड़ी सी एक चीज पूछूंगी, अभी आपने रणजीत देव की कही तो ये आप बात कर रही हैं जो देव राजा थे, जो देव डायनेस्टी थी जम्मू हिल्स की, वो आप उनकी बात कर रही हैं, राइट? यस यस, मैं 1742 के आगे की बात कर रही हूँ, टाइम पीरियड 1781 तक। तो ये थे जम्मू के राजा उस वक्त। जी जी, और इनके बारे में तो काफी मतलब बैरन चार्ल्स ह्यूगल ने लिखा है रणजीत देव के टाइम पे, कि उस टाइम पे जम्मू जो है वो रिचेस्ट मतलब सबसे प्रॉस्परस स्टेट था इंडिया का, तो इतने अच्छे मतलब हमारे महाराजा थे। तो उसके बाद जब मैं बता रही हूँ उनकी फैमिली में थोड़ी डिसेंशन आई, तो उनके बेटे ब्रजराज देव ने एक सिख मिसल जो है सुपर चकिया उनकी हेल्प ली, और फिर रणजीत देव जी ने भी भंगी मिसल की हेल्प की, फिर दोनों में फाइट हुई और ब्रजराज देव जो जीत गए और गद्दी पे ब्रजराज देव बैठ गए, और उसके एक ही साल बाद जो है महाराजा जो रणजीत देव है उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ हुई 1781 में, और 1780 में ही मियां डीडो का बर्थ हुआ, तब उनकी डेथ के एक साल पहले की बात है। तो ऐसी सर्कमस्टांसिस थी उस टाइम पे। अब हमने देखना अजीत सिंह ब्रजराज देव जी के बाद आए उनके बेटे संपूर्ण देव, ब्रजराज देव जी की जल्दी डेथ हो गई, वो भी सिख मिसल्स ने अटैक किया था, फिर उनके बेटे आए संपूर्ण देव, उन्होंने रूल किया, संपूर्ण देव एक साल के थे तो 11 साल ही मतलब वो जिंदा रहे, 11 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है राजा बनाया गया अजीत सिंह जी। अब अजीत सिंह का वो मेन टाइम पीरियड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मियां डीडो जी का टाइम पीरियड है, सिख अटैक का टाइम पीरियड है, तो ये इस टाइम पीरियड की आगे हम बात करेंगे। ये जो है ये मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताया। मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि उस वक्त आपने कहा कि जम्मू पर लगातार अटैक्स हो रहे थे, ये सिख मिसल्स के भी हो रहे थे, कुछ ना कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, और जिस वक्त मियां डीडो का टाइम था तो उस वक्त भी ये जो सिख मिसल्स के अटैक्स थे वो भी लगातार चल ही रहे थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या क्या चीजें की, वही उनकी क्या एक्टिविटीज रही, उन्होंने कैसे किया, वो थोड़ा बताएं। मनोज जी, जब हम 1808 से स्टार्ट करते हैं, जो मेन उस टाइम पे बैटल हुई थी 1808 की, जिसे हम बैटल ऑफ गुम्मट बोलते हैं, तो बैटल ऑफ गुम्मट में क्या हुआ था कि महाराजा रणजीत देव पहले तो खुद स्टार्ट हुए, उन्होंने जसरोटा ये तो आते रास्ते में जितने भी पठानकोट जसरोटा फिर चंबा वाली साइड चले गए सियालकोट, यहाँ तक उन्होंने कब्जा किया, फिर उसके बाद आगे नहीं आए, आगे उन्होंने हुकम सिंह चिमनी जी को भेजा और खुद वो वापस लाहौर चले गए। अब हुकम सिंह चिमनी को ऑर्डर था कि जम्मू पे अटैक करिए, तो 1808 में सिख फोर्सेज जो है तवी के लेफ्ट फ्लैंक पे आके
वो वहां पे वो आ गई, और हमारे जो डोगरा थे वो राइट बैंक पे थे, और उस टाइम पे इतनी फोर्सेस नहीं थी, इतनी कोई रेगुलर आर्मी, तो आपको पता है कि वहां पे ढोल बजा के पहले वो मारू ढोल बजाते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे कि आ जाओ सारे। तो मियाँ मोटा जी उन्होंने कोशिश की, राजपूतों को सबको जो थे वॉरियर्स थे उनको मैसेज भेजा, और मियाँ डीडो के लिए स्पेशल मैसेज किया उनके घर में मियाँ हजारी जी को। तो मियाँ हजारी जी ने बोला कि मैं तो अभी एज हूँ, मेरी 90 ईयर्स एज हो गई है, तो आप मेरे बेटे को मैसेज भेजो। तो वो स्पेशल गए वहां पे, वो मियाँ डीडो उस टाइम एक मैरिज पार्टी अटेंड कर रहे थे, तो वहां पे गए, उनको बोला कि जम्मू पे अटैक हुआ और आपके लिए स्पेशल मैसेज है। वो बोलते कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं, हमें एक शादी है। और शादी वालों को उन्होंने बोला कि हम आते हैं, अभी लड़की ले जाते हैं, थोड़ी देर में शाम को आएंगे, हम लड़की ले जाएंगे तो देख के आते हैं क्या हो रहा है, वहां पे बैटल हो रही है। तो इसी तरीके वो गए वहां पे, वहां देखा उन्होंने सिख फौज, वो बाहुबली साइड थे, वहां से उन्होंने देखा। और पहले तो सिख फौज काफी, क्योंकि वो पूरे रेडी होके इक्विपमेंट्स के साथ, वेपन्स के साथ वो आए थे, तो पहले उनका अपर हैंड था। पर जैसे थोड़ी देर बाद वो बाहर आ गए, पर जैसे ही मियाँ डीडो वगैरह उनकी पार्टी ने अटैक किया बाद में, तो वो और साथ में गुलाब सिंह थे उनकी भी पार्टी आई, उन्होंने और मियाँ डीडो ने दोनों ने इकट्ठे फाइट की थी बैटल ऑफ वुमन में। तो दोनों ने इकट्ठे अटैक किया और सिख फोर्सेस को उन्होंने बुरी तरह से हरा दिया अकेले अकेले। मतलब एक राजपूत ने काफी मर्डर किए, और गुलाब सिंह तो काफी छोटे थे उस टाइम पे, पहुंचते भी नहीं थे, वो जम मार के उन्होंने वो घोड़ों पे जम मार के वो उनको मार रहे थे। तो ये सिचुएशन थी, और जो है सिख फोर्सेस को उन्होंने यहाँ से निकाल दिया। तो 1808 की बैटल जो है वो डोगरास ने जीती थी। अब उसके बाद की अगर हम बात करें, तो महाराजा अजीत सिंह जो है उन्होंने सोचा कि हम कब तक ये पंजाब के जो है हम इतने ज्यादा हमले झेल नहीं सकते, क्योंकि इतनी रेगुलर आर्मी है नहीं। तो उन्होंने मियाँ मोटा जी को बोला कि आप जाइए थोड़ा सा पीस ट्रीटी वगैरह कुछ कीजिए, साइन कुछ उनको बोलिए कि अभी अटैक ना करें। तो मियाँ मोटा गए उनके कहने पे, और उन्होंने वहां बात की, तो वो मान गए। उन्होंने बोला कि महाराजा को खुद बुलाइए, फिर महाराजा गए हमारे अजीत सिंह, और उन्होंने भी बात की। फिर एक पीस ट्रीटी हुई जिसमें कि 73,000 जो है ना, ये मान गए एग्री करके कि हम 73,000 रुपीज आपको देंगे प्लस पहाड़ी स्लेव गर्ल्स, 73,000 एनुअली प्लस पहाड़ी स्लेव गर्ल्स। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, ना ही किसी से विचार विमर्श किया गया, किसी से पूछा नहीं गया, तो एकदम से इन्होंने खुद ही डिसीजन लिया और ये पीस ट्रीटी कर दी। अब ये बात जो है जम्मू के यूथ को पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये बैटल जीती थी, तो उन्हें नहीं पसंद था कि कोई और किसी की सब्जुगेशन में हम रहें, क्योंकि जम्मू वाले कभी डोगरास को ये पसंद नहीं है, सब्जुगेशन चाहते कि डोगरास ही रूल करे डोगरा लैंड पे। तो उनके जो लीडर थे डिसकंटेंटेड यूथ के, उस टाइम पे बने मियाँ डीडो। तो मियाँ डीडो ने गाइडेंस भी प्रोवाइड की और लीडरशिप भी प्रोवाइड की, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया लाइक माइंडेड पीपल का, डिसकंटेंटेड एलिमेंट का, और उनको लीड किया। अब वो ग्रुप क्या करता था, उनका क्या काम था? सबसे पहले तो जब सिख आए यहाँ पे, जब उन्होंने यहाँ पे कैंप्स लगाए, 1812 में खड़क सिंह जी को जम्मू एज जागीर दे दी गई थी, तो खड़क सिंह जी जो है उन्होंने यहाँ से रेंट वगैरह वसूल करना होता था, और सिख कैंप्स भी थे काफी सारे जगह जगह पे लगा दिए थे, तो वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, टैक्स वसूल कर रहे थे ज्यादा। और जो सिख जनरल्स थे वो इवन हमारी जो लड़कियां बेटियां हैं उनके साथ भी वो बदतमीजी या बुरा बिहेव करते थे। तो मियाँ डीडो को ये पसंद नहीं था, तो इनके साथ और भी काफी लोग जुड़े। तो ये सारा यूथ मिलके इन्होंने क्या किया कि सिख कैंप्स पे हमले शुरू कर दिए। जीसी स्मिथ जो है वो बोलते हैं कि काफी अच्छी तरह जीसी स्मिथ ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये लोग आते थे बड़े आराम से ढोल बजा के, आते थे कैंप पे अटैक करते थे रात को, और आराम से खाना वगैरह बना के क्या कहते हैं बकरे चावल की वो सब कुछ खा के, और फिर ये सुबह जाते थे, और किसी सिख जनरल की या कमांडर की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको पीछे से परस्यू करे या उनका पीछा करे, क्योंकि जितने भी कहा जाता है कि इनके सामने आते थे ये उनको मार देते, तो एक्चुअली ये सब छुपते थे कि जब ये आते थे कि हाँ भाई मियाँ डीडो आ गया, छुप जाओ। तो ऐसा था, इसलिए इनको रॉबिन हुड ऑफ जम्मू बोलते हैं। तो काफी मैं फॉरेन राइटर्स मतलब ये जो बाहर के हमारे ये ट्रैवलर्स आए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि उन्होंने लिखा हुआ है, तो ऐसा है। और हमारे बाकी जो दूसरे सेकेंडरी सोर्सेस हैं उसमें भी काफी कुछ लिखा है,
ऐसा नहीं है आपने कि जो शिवाली बोला ना कि जो डिस्क्रिप्शन दी अभी तक कि कैसे वो मारू ढोल बजते थे और एक तरह से जम्मू का जो युवा था उसको बुलाने के लिए, उसको आवाज देने के लिए कि आओ अब रक्षा करूं जम्मू की क्योंकि कोई बाहर से अटैक करने जा रहा है, मतलब ये मेरे तो रोंगटे खड़े कर देता है। इट इज इतना रोमांचक है। और ये सोच के मैं, खासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने तैयार थे, प्रिपेरेडनेस, प्रिपेरेडनेस जो बोलते हैं, तैयारी जो थी वो कितनी रही होगी कि मारू ढोल सुने और घर घर से जो हमारे डोगरा मैन थे वो निकल जाते थे अपनी अपनी जमीन की, अपनी जम्मू का जो क्षेत्र था उसको बचाने के लिए। और शादी, मिया डीडो आप कह रही हैं कि वो शादी में गए हुए थे और वो कहते हैं आप विदाई की तैयारी करो हम होकर आते हैं, मतलब ही मेंशंस इट सो कैजुअली। इससे पता चलता है कि जैसा आपने कहा वो मस्कुलर भी थे, काफी फिजिकली स्ट्रांग थे, बट उनकी डेफिनेटली मार्शल ट्रेनिंग भी रही होगी। एक तो डीएनए में ही है डोगरा, मतलब लड़ाकू एक कौम है, पर अमेजिंग टू हियर दैट। और सारे युवा ऐसे थे और लड़ते थे जम्मू के लिए, ये भी सुन के बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अनुजी, जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रेनिंग एक्चुअली उनकी 10 साल की उम्र में ही उनके फादर ने उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तलवार चलाना, बर्छी चलाना ये पहले से उनको सिखा रहे थे। और ये भी कुछ सोर्सेस से सुना है कि उनकी भविष्यवाणी कोई, मतलब जब वो पैदा हुए थे तो ये सुनने को मिला था कि उन्होंने पहले बताया था कि ये एक बड़ा ऊंचा नाम होगा उनका और ये वॉरियर होंगे, तो उनके फादर ने उन्हें पहले ही ट्रेन करना शुरू कर दिया था। और उनके मियाँ डीटो को दी सेकेंड सन ऑफ मियाँ हजारी, उनके 5 और भाई थे तो वो भी सारे इनके साथ ही थे। जैसे जैसे ही थे, मियाँ हजारी हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड वॉरियर, वो खुद बहुत अच्छे वॉरियर थे, तो फैमिली हाँ, ही मैं है। वही आपसे पूछने वाली थी कि क्या इनके फादर भी इसी तरह से, वो भी वॉरियर रहे, वो भी जम्मू के जो दरबार है वहां जाते रहे, मतलब ये लेगेसी थी फैमिली की। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये भी रॉयल फैमिली के ही डिसेंडेंट थे, तो ये काफी जम्मू दरबार जाते रहते थे। अब आपने बीच में बोला तो बीच में मैं एक इंसिडेंट आपको सुना देती हूँ। तो जब ये जम्मू दरबार जाते थे आफ्टर दिस दी पीस ट्रीटी, मियाँ हजारी जाते थे जम्मू दरबार, तो मियाँ डीटो को ये पसंद नहीं था कि वो जाए दरबार, क्योंकि वो जम्मू दरबार से भी नाराज थे। तो फिर एक बार क्या हुआ कि वो चले गए रात को घर छोड़ के, मैं नहीं आऊंगा घर, मैं जा रहा हूँ, तो चले गए। फादर ने बोला अच्छा चले गए, गुस्सा हो गए उनसे। तो फिर सुबह आए अपने फ्रेंड्स साथियों को लेके, सारे साथियों को लेके, और उन्होंने एक शेर पकड़ा हुआ था, तो बोलते देखो शेर मार के लाया हूँ मैं, और मैंने अकेले मारा है, मार सकते कोई आपके जम्मू दरबार में ऐसे ऐसे शेर? तो ये ऐसे सेकेंडरी सोर्सेस में है ये सारी चीजें कि ऐसे, मतलब इतने बहादुर थे कि ऐसा बोले जाते, कुछ राइटर्स ने लिखा कि बे हैंडेडली किल दैट टाइगर। तो इतने वो सोची या फिर उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ थी कि वैसे कर सकते थे। ये इंसिडेंट मुझे, मैं बाद में सुनाने वाली थी, आपने बोला मैं बीच में सुना दी आपको, तो उसी की हम बात कर रहे थे। साथ में उन्होंने अपने जो यूथ है उनको इकट्ठा, उनको मोटिवेट किया था। कुछ राइटर्स ने लिखा है कि ही वाज मतलब डकैत थे या लूट मार करते थे, लेकिन वो लूट मार करते थे जो बाहर के जो लोग आए हैं उनकी सिख कैंप्स की, जो साहूकारी जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, उनके वहां लूट मार करके वो गरीब लोगों में बांटते थे। जब गरीब लोगों को धीरे धीरे पता चला कि ये तो हमारे हितेशी हैं, तो वो उनकी बहुत हेल्प करते, मियाँ डीटो की, उन्हें खाना देते थे, उनके साथियों को खाना प्रोवाइड करते थे, शेल्टर प्रोवाइड करते थे। और मियाँ डीटो अपने घर में कम ही रहे हैं, वो जंगलों में त्रिकुटा की पहाड़ियों में वहीं पे घूमते थे, ज्यादा वही उनका मतलब एरिया था, और भी पहाड़ी रास्ते, इवन केव्स में भी रहे हैं और जंगल के गन्ने बैर वगैरह खा के भी रहे हैं। बट लोग बड़ी मतलब उनकी हेल्प करते थे, लोगों के हीरो थे बेसिकली, ही वॉज अ पीपल्स हीरो। तो हम जब बात कर रहे थे इसकी मूवमेंट की, तो जीसस स्मिथ के मैं आपको बता रही हूँ कि मेंशन किया उन्होंने कि कैसे ये आते थे और उनपे अटैक करके चले जाते थे और कोई उनके पीछे जा नहीं सकता। वैसे ही दीवान कृपाराम जी ने भी बोला है कि कोई भी अगर सिख सोल्जर अगर कहीं बाहर जाता है टू अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, तो वो कभी रेयरली ही वापस आता था, वो वापस नहीं आता था। तो मतलब ऐसे इनके लोग थे, फैले हुए थे, तो इन्होंने काफी अपने दबदबा बनाया था। और इवन इन्होंने लोगों को भी बताया था कि टैक्स नहीं देना है, मत दो टैक्स, जो जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ये लोगों को सेव करते थे। और ये तो सिर्फ सिक्स की बात है, ऐसे भी लोग इन्हें इनवाइट करते थे, जैसे कुछ लोग कहीं पे कुछ डिस्प्यूट है तो वो मियाँ इडो की पार्टी को इन्वाइट करते थे कि आप आइए और यहाँ पे डिस्प्यूट को सॉल्व करिए। और ये भी माना जाता था कि मियाँ इडो जिस पार्टी में होगी वही विनर होगी, तो लोग चाहते कि हमारी साइड पहले आ जाए। तो ये मतलब लोगों के हीरो थे जो बेसिकली बोल सकते हैं हम।
मेन रंजीत सिंह जो है लाहौर के जो महाराजा थे, दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से मियां डीटो जो है वो ज्यादा उनके साथ टकराव में आ गए। पहला तो इंसिडेंट था कि मियां डीटो के पास पेयर ऑफ व्हाइट हॉक्स थे जो कि सिर्फ सिख जनरल या प्रिंस या मतलब राजा ही रख सकते थे, तो ये उन्हें लगा एक टाइप के अनॉय हो गए कि इनके पास क्यों है। तो उन्होंने बोला कि हमें ये बाज जो है ये दे दीजिए। तो जम्मू में उस टाइम कुमेदार नैन सिंह जी थे, यहाँ पे डिप्लॉयड थे, तो उन्होंने आगे अपने 13 बंदे भेजे कि आप जाओ और वो बाज लेके आ जाओ। वो उनके घर गए, किसी को अलाउड नहीं था ये व्हाइट हॉक्स रखना, बाज रखना, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो लाहौर कोर्ट के थे उन वो रखते थे तो कोई और नहीं रख सकता था। हाँ वो रखते थे या कोई प्रिंस रख सकता था, और ये हॉक प्लेइंग भी इनकी गेम भी थी, कुछ हॉक फाइटिंग वगैरह कुछ इस टाइप की। तो फिर जब वो गए वहां पे उनके घर गए तो मियां डीडो ने बोला कि हाँ भाई ले जाओ, मैंने कौन सा मना किया आपको। और उनको उन्होंने कुछ खाने का सामान और वगैरह दे दिया, आप लोग खाना वगैरह खाओ, आप इतनी दूर से आए हो तो मैं आपको देता हूँ। उन्हें खाना वगैरह देके बिजी करके वो अंदर गए, उन्होंने हॉक्स जो है अपनी वाइफ को हैंड ओवर कर दी, उन्होंने बोला कि आप जंगल के रास्ते चले जाइए। और फिर एकदम से उनपे अटैक कर दिया और 7 लोग तो उसी टाइम उन्होंने मार दिए और 4 तो बुरी तरह जख्मी हुए, उसमें से भी 2 मर गए, 2 ही वापस आए जो है, उन्होंने पूरी स्टोरी आके सुनाई। तो ये जो इंसिडेंट था, जब ये महाराजा रंजीत सिंह जी को पता चला तो उनको काफी लगा कि कौन है ये मियां डीटो जो इतना तबाही मचाई हुई है और टैक्स भी नहीं लेने दे रहा। मतलब 1815 में खड़ग सिंह जी से जब उन्होंने बोला, खड़ग सिंह खुद ये लाहौर कि कुछ नहीं मिल रहा हमें जम्मू से, एक पैनी नहीं मिल रही है, तो क्या करें हम। उन्होंने काफी सिख जनरल भेजे फिर उसके बाद। तो एक और रिवॉल्ट है मैं मेंशन करना चाहूंगी, देवा बटाला में रिवॉल्ट हुई थी, वहां के चिप और भाऊ लोग थे उन्होंने रिवॉल्ट की थी कि हम जो है टैक्स नहीं देंगे, ऑब्वियसली मियां डीडो के साथ थे वो, तो उनके लिए भी काफी जनरल भेजे गए और अटैक तो उनको रोका, उनकी एक्चुअली गांव जो पूरा जला दिया गया देवा बटाला, फिर भी वो लोग रुके नहीं और उन्होंने मतलब पहाड़ियों पे शिफ्ट कर लिया, इधर उधर शिफ्ट कर लिया, लेकिन टैक्स नहीं दिया। ये लोग थे साथ में। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताऊं मियां डीडो ने क्या किया कि जो कश्मीर के पंडित बीरपल धर थे वो सामान गिफ्ट वगैरह भेजते थे रंजीत सिंह जी को, तो उन्होंने सामान भेजा जिसमें एप्पल्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे। तो रास्ते में सामान जो मियां डीडो ने देखा उनको मिला और उन्होंने उसमें काउ डंग केक्स और फिल्ट वगैरह से भर के वो लाहौर दरबार भेज दिए। तो जब रंजीत सिंह जी ने वो खोला तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, और जब उन्हें पता चला कि ये मियां डीडो ने किया तो वो आग बबूला हो गई, ये कौन है ये मियां डीडो जिसने परेशान करके रखा। और इवन खड़ग सिंह से भी न्यूज आ रही थी कि कुछ नहीं मिल रहा, मियां डीडो ने वो किया हुआ है। तो फिर अब रंजीत सिंह जी ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें जिससे कि मियां डीडो को यहाँ तो पकड़ के लाओ इनको। तो उस टाइम तो वो खुद चलने को तैयार हो गए, मैं जाता हूँ। तो फिर उनके जो थे वहां पे जनरल खुशहाल सिंह थे, उन्होंने बोला कि आप क्यों जाएंगे, आपके पास बहुत है, आप उनको भेजिए, किसी और को भेजिए। फिर सोचा उन्होंने थोड़ी देर के लिए महाराजा रणजीत सिंह जी ने, फिर उन्होंने बसोली के राजा भूपत पाल जी को बुलाया और उनको बोला कि आप जो है वो मियां डीडो को पकड़ के लाइए। तो भूपत पाल जी के साथ और भी जो रामकोट आगे वाले एरियाज उनके जो है किंग्स, उनको भी बोला कि हिम्मत सिंह वगैरह आप भी जो है इनकी हेल्प करिएगा, और गिफ्ट्स वगैरह काफी भेजे भूपत पाल जी के साथ। बोले ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन उनकी वापिस आते टाइम अमृतसर में ही उनकी डेथ हुई, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, उनके फादर की भी एक्चुअली वहीं डेथ हुई थी, तो उनकी भी वहीं पर डेथ होगी। अब महाराजा रणजीत सिंह और परेशान हो गए, अब क्या करूं मैं, अब ये भी नहीं है। तो मतलब एक ही उन्हें इंसान दिखाई दे रहा था, वो थे गुलाब सिंह, क्योंकि गुलाब सिंह जो थे उन्हें जम्मू की ज्योग्राफी का भी पता था, जम्मू के लोगों के बारे में भी पता था, वहीं के थे, उन्हें लगा कि शायद यही, और उन्होंने ऐसे कुछ कंडीशंस भी रखी थी, और कंडीशंस कुछ इस टाइप की थी कि मतलब जैसे डिवाइड करना, मतलब कम्युनिटी को डिवाइड करना, उस टाइप की कुछ कंडीशंस थी, और भी कंडीशंस थी कि सेफर रूट्स टू कश्मीर एंड ऑल दैट, काफी कंडीशंस थी उन्होंने रखी। तो उन्होंने गुलाब सिंह को बुलाया, बोला आप कि तुम करोगे, तो बोलते ठीक है मैं उन्हें ले आऊंगा। तो गुलाब सिंह जी जो है उन्हें उन्होंने 1820 में तलूक का चकला ऑफ जम्मू वो एरिया पूरा उनकी पूरी फैमिली को है दे दिया, ताकि थोड़ी उन्हें पावर भी मिले। तो उसके बाद गुलाब सिंह ने थोड़ा सबसे पहला कदम जो उन्होंने उठाया वो ये था कि उनके जो साथी थे मियां डीडो के, जो सिख जनरल्स ने पकड़ के जेल में डाले थे, लाहौर जेल,
शेखुपुरा जेल, उनको बाहर निकालो, मियाँ दीवानो, मियाँ शफू, शफू एक मतलब दो तीन थे, उनको बाहर निकाला और उनसे काफी बात की, उन्हें समझाया, बात ये की कि आप लोग क्यों जंगलों में भटक रहे हो, आप ये काम जो आप वहां कर रहे हो, हम सारे भाई हम लाहौर दरबार बैठे तो हम वहां से कर सकते हैं, हम आप जो है महाराजा रंजीत सिंह की अगर वहां पे काम करेंगे तो हो सकता है वो हमें कल को ये एरिया दे दे, हम उन्हें बोलेंगे कि हमें जम्मू जो है वापस दे दीजिए, हमें थोड़ी फ्रीडम दे दीजिए, तो आप इस तरीके से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया, उन्होंने बोले कि आप बाकी साथियों को भी बुला के लाइए, तो जवाहर सिंह गोरिया और भी साथी जो है वापस आए, तो उन्होंने अभी गुलाब सिंह ने फिर उनको मियाँ डीडू के पास भेजा कि मियाँ डीडू के पास जाइए और बोलिए कि इस तरीके का है, आप आइए आपको अच्छी पोस्ट देंगे। तो जब उनके साथी गए उनके पास तो मियाँ डीडू बिल्कुल नहीं माने, वो बोलते मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं किसी दूसरे देश के सबॉर्डिनेट में काम नहीं कर सकता, ये मेरा डोगरा लैंड है, और बोल दो जाके सिखों को कि अपने माजे का मुल्क संभाल, माजे का मतलब एरिया, वो पंजाब अमृतसर वाला एरिया उसको ये बोलते हैं जहाँ पे रंजीत सिंह जी का रूल था, तो उनको बोलो वो संभालो, मेरी कंडी छोड़ दो, मेरा जो डोगरा लैंड है, मेरा कंडी लैंड है उसको छोड़ दो आप। तो बिल्कुल मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोला मैं नहीं कर सकता ये सब, गुलाब सिंह को बोलो रहने दो। तो वो वापस गए, जब फिर गुलाब सिंह जी ने दूसरे स्ट्रेटेजम लगाया, उनके जो सपोर्टर्स थे उन्हें हेल्प करते थे, उन्होंने सोचा कि ये हेल्प जो है खत्म करनी पड़ेगी, तो उन्होंने अपने मैन भेजे डिस्गाइज्ड एज डीडोस में, तो जब वो लोग आते थे हेल्प करने तो वो लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, इस तरीके से लोगों ने मदद करना छोड़ दिया इस डर के मारे कि हम अरेस्ट हो जाएंगे। अब आगे आगे मुश्किल हो गया, मियाँ डीडो के साथी भी कम हो गए, आधे तो मार दिए, कुछ जेलों में चले गए और कुछ अब गुलाब सिंह जी के साइड हो गए, अब कुछ ही साथी बचे थे उनके साथ। अब गुलाब सिंह जी के साथ अत्तर सिंह कहलोल को भेजा था महाराजा रंजीत सिंह जी ने, तो अत्तर सिंह कहलोल को इन्होंने भेजा मियाँ डीडो के घर, क्योंकि न्यूज आई थी कि डीडो शायद घर गए हैं अपने फादर से मिलने, क्योंकि फादर बीमार है, तो ये न्यूज थी, वो उनके घर गए और मियाँ हजारी 90 साल के थे, फिर भी उन्होंने तलवार उठाई, उन्होंने बोला कि मैं सामना करूंगा, और सामना किया उन्होंने काफी देर तक, फिर लेकिन अत्तर सिंह कहलोल ने उनको मर्डर कर दिया, उनको मार दिया, 90 साल के बुजुर्ग को उन्होंने मार दिया। फिर उसके बाद मियाँ डीडू ने अपनी फैमिली को वैष्णो देवी पंडित के वहां शिफ्ट कर दिया था त्रिकुटा हिल्स में, और खुद वो है थोड़ा नीचे आ गए जब उन्हें पता चला कि मेरे फादर को मार दिया। एक्चुअली उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, जोरावर सिंह जी को रियासी से बुलाया गया कि आप बैक साइड से इन्हें घेर लो, फ्रंट में अत्तर सिंह कहलोल, एक साइड जवाहर सिंह गोरिया, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे गुलाब सिंह। तो जो फ्रंट में थे अत्तर सिंह कहलोल, उनको उन्होंने वो कहते हैं कि सामने गर्दन भी रखी थी उनके पिता की काट के, तो कि देखो मार दिया, तो उनको बड़ा ही ज्यादा गुस्सा था कि एक 90 साल के बुजुर्ग को उन्होंने मार दिया, तो अगर हिम्मत है तो मेरे से सामना करो, मेरे सामने आओ। और जैसे कि किसी ने कोट किया था एक मीटिंग में कि उन्होंने बोला कि यार तुझे जनेऊ पहनाऊ, मतलब कि तुम्हें तुम्हारे दो पीसेस कर दू। तो अत्तर सिंह कहलोल आया सामने और मियाँ डीडू ने बोला पहले आप अटैक करो, तुम करो अटैक। तो अत्तर सिंह कहलोल ने अटैक किया और उन्हें रोका, उन्होंने बोला मेरी बारी है, और उन्होंने एक ही जो वार किया और उनके बॉडी के दो पीसेस होके जमीन पे गिर गए। ये जो है सीन देख के सभी डर गए और कोई उनके पास नहीं आना चाहता, वो आराम से बैठे, उन्होंने हुक्का लिया और पीने लगे और चैलेंज किया है कोई आ जाओ मेरे पास, कोई लड़ना चाहता है। तो इतनी देर में एक सिख था, सिख जनरल, उसने गोली मारी और उनकी गले से वो गोली निकली और वहीं पे वो वीरगति को प्राप्त हुए, हमारे जो डोगरा वॉरियर है उनकी यहाँ पे डेथ होगी। ये है उनकी पूरी एक्टिविटीज और स्टोरी। शिवाली, इसमें मैं आपसे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उनकी हीरोइज्म के बारे में तो आई थिंक कोई डाउट नहीं रहता जिस तरह के वो थे, और फिजिकल पावर भी जो आपने बताई कि अत्तर सिंह को कैसे वो दो टुकड़ों में उनकी बॉडी हो गई और एक ही वार से हुई, और आपने बताया, ये भी बताया कि लाहौर कोर्ट से बहुत सारे लोगों को भेजा गया, बहुत सारे जनरल सिख जनरल्स को भेजा गया कि उनको पकड़ो, और कोई पकड़ नहीं पा रहा था। यहाँ ये कहना बहुत जरूरी होगा कि जो लाहौर कोर्ट था उनका जो इलाका था, मियाँ डीडो के हिसाब से उनको वहीं रहना चाहिए था, ये डुगर प्रदेश था, यहाँ डोगरों का राज चलना चाहिए, जैसे आपने कहा कि
कंडी का इलाका है, आप वहां रहो और हम खुद अपना यू नो इंडिपेंडेंटली हम रहेंगे. ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द सिख मिसल्स एंड डोगरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लियर करना. एंड कोई भी उनको जो सिख मिसल से या जो महाराजा रणजीत सिंह भेज रहे थे, कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा था. बट जब एक डोगरे को पकड़ने के लिए दूसरे डोगरों को ही आगे आना पड़ा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग जब इस हिस्ट्री को पढ़ते हैं या जानते हैं तो उनको लगता है कि महाराजा गुलाब सिंह और मियां डीडो के बीच में क्या रिश्ता रहा होगा, क्यों महाराजा गुलाब सिंह मान गए और जाके उन्होंने कहा कि अच्छा मैं मियां डीडो को पकड़ूंगा. तो इन दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस था, क्या ये दुश्मन थे या इनकी अप्रोचेस में डिफरेंस था इसीलिए आया, इसको आप कैसे देखते हो? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मनु जी, पर एक्चुअली मुझे भी ये काफी लोग पूछते हैं जब भी हम मैं बीए डीडो की बात करती हूँ कि और डायरेक्टली ये कमेंट्स आते हैं कि ही वाज द मर्डरर एंड ऑल दैट. बट अगर हम मतलब देखें, ये दोनों जो है वो एक साथ बैटल ऑफ उमट में ये लड़े थे. अगर हम हिस्ट्री याद करें तो एक साथ इन्होंने लड़ाई की थी और जब ये विनर थे तो बिया मोटा ने दोनों को गले लगाया था, बिकॉज दोनों रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट ही थे, तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन था. तो मियां गुलाब सिंह जो है वो इन्हें मानना नहीं चाहते थे, उन्होंने पहले भी अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इन्हें हमने पकड़ना है जिंदा, और ना ही कोई शूटिंग ऑर्डर्स दिए थे. तो अब ये सिख जनरल किसी ने वो दूर से वो गोली मार दी. अब मियां गुलाब सिंह जी जो है, अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा किया या जानबूझ के, उन्हें इतना ज्यादा फील हुआ जब उन्हें पता चला कि मियां डीडो की डेथ हो गई है, फिर उन्होंने उनके दोनों बेटों को अपने पास रखा, उनकी केयर की. पहले तो बड़े बेटे को ले गए, हसन सिंह था, कि क्योंकि वो बड़ा था तो छोटे को तो मदर चाहिए, तो उनको थोड़ा रहने दिया. तो उन्हें अपने साथ रखा, अपना बॉडीगार्ड बना के रखा. क्यों मतलब ऐसे वो करेंगे, अपना बॉडीगार्ड बनाया और हाईएस्ट पोजीशन तक वो गए, फेस हुए. और उसके बाद छोटे बेटे को भी उन्होंने, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसको भी अपने साथ रख लिया. तो उन्हें बिल्कुल एक पिता की तरह उन्होंने पाला, जैसे एक फादर कर सकते अपने बेटों के लिए, वैसे उन्होंने किया. और एक ऐसा इंसिडेंट भी था कि एक टाइम ऐसा हुआ कि जब गुलाब सिंह जी नहाने जा रहे थे चिनाब में, उन्होंने कपड़े वगैरह अपने सारे आर्म्स जो है वो रखे हुए थे साइड पे, तो फिर जब वो गए वापस तो बसंत सिंह था उनके साथ. उन्होंने बोला, बसंत सिंह तुमने, मैं तो निहत्था हूँ और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, तुम मुझे मार सकते हो, अपने पिता का बदला ले सकते हो. मतलब इतना रिग्रेट था उनमें, उन्हें पता था कि मैंने इनके पिता का मतलब मरने का रीजन है. तो बसंत सिंह बोला नहीं, वो बैठ गया और उसने बोला कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप मेरे पिता की तरह हो, जो हुआ वो वैसी सर्कमस्टांसेस थी. तो बसंत सिंह वो सो लॉयल, मतलब उनको पता था कि ये मेरे पिता ही बोल रहे हैं, कि मेरे पिता के नाम पे धब्बा होगा अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा. तो ये ऐसा इंसिडेंट था. इससे पता चलता है कि गुलाब सिंह को बहुत फील हुआ जब उनकी डेथ हुई, उन्होंने बच्चों का भी ध्यान रखा और रिग्रेट भी था उन्हें. इस बात से मुझे यही समझ में आता है कि दोनों के अप्रोचेस में सिर्फ अंतर था. और हाँ, कहीं महाराजा गुलाब सिंह को भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी मियां डीडो के लिए, और उनके बच्चों को भी आगे उन्होंने एक तरह से अपने साथ रखा, उनकी परवरिश का भी ध्यान दिया. और अप्रोच में सिर्फ ये डिफरेंस थी कि मियां डीडो चाहते थे कि मैं ये जो सिस्टम है, अगर मैं इसको एक उस तरह का पैरेलल बनाऊं तो इस सिस्टम के साथ मैं लड़ूंगा, और गुलाब सिंह जी के दिमाग में था कि सिस्टम के अंदर घुस के मुझे ये लड़ाई लड़नी है. और दोनों का एम सेम था कि जम्मू कश्मीर को या इस अपनी जम्मू हिल्स को हमें फ्री रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है, और इसकी गवर्नेंस सिर्फ डोगरा ही कर सकता है. तो ये महाराजा गुलाब सिंह ने भी अचीव किया, जैसा हम आगे इतिहास में देखते हैं, और इनफैक्ट काफी बड़ा किया. तो दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन गोल एक था, दिस इज व्हाट वी कैन सेफली से. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप. और गुलाब सिंह जी जो है, जैसे कि वो जॉब में चले गए, पहले वो जाना नहीं चाहते थे, फिर वो मियां मोटा के इंटरमीडिएशन से वो वहां चले गए थे, तो उनकी अलग अप्रोच था. और मियां डीडो का जैसे कि बोला कि वो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही करते थे कि कोई आए यहाँ पे, कोई रूलर आए यहाँ पे रूल करे या अत्याचार करे, तो लोगों के लिए फाइट करते थे वो. तो शिवाली, हमने पूरा सुना आपसे, पूरी बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरी कहानी बताई मियां डीडो की, उनकी जीवन गाथा रहकर बहुत ही सुनकर, मतलब जैसे मैंने कहा, इतनी रोमांचक है कि कैसे वो रहे होंगे. और वो जो आप डिस्क्राइब करती हैं कि अतर सिंह को मारने के बाद वो एक पत्थर पे बैठ के हुक्का भी पीते हैं, मतलब एकदम ही फियरलेस थे, बिल्कुल निडर थे वो. तो मैं आपसे
रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे कोई और इंसिडेंट्स हैं जो एक होता है ना कि ऐसे लेजेंडरी इंसिडेंट्स होते हैं कि आदमी ऐसे बात करता है उनकी, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगी, शेयर करना चाहेंगी? मनु जी, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं, बहुत से लोग आए, पायलट्स हैं उनके बारे में। तो लोग एक मैं आपको मेंशन करूंगी कि लोग आथाएं, एक्चुअली लोग आथाएं उनके जब वो जीवित थे उसी टाइम पे वो बनना शुरू हो गई थी। तो एक दरेज था, वो उनके मियाँ डीडो की लोग आथा गाते गाते जा रहा था। तो रास्ते में मियाँ डीडो और उनकी पार्टी जब मिले, तो मियाँ डीडो जब आए तो बाकी लोग भाग गए, लेकिन वो दरेज जो है वो गाता ही जा रहा था। तो मियाँ डीडो ने बोला कि किसका गा रहे हो? कहते मियाँ डीडो का। वो कहते कौन है? कहते वो बहुत अच्छा वॉरियर, लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो ये सुन के मियाँ डीटो ने बोला कि मैं ही मियाँ डीटो हूँ। तो खुश होके उन्होंने उसको दरेस को बोला कि मतलब बहुत अच्छा। तो एक साहूकार से वो घोड़ा लेके आए थे, मियाँ डीटो जो एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो घोड़ा उन्होंने उस दरेस को दे दिया। अब वो साहूकार जो है उसने घोड़ा वापस ले लिया। थोड़ी देर बाद डीटो ने देखा कि घोड़ा वापस ले लिया उसने, आटा चावल अनाज वगैरह उस बुजुर्ग को देके घोड़ा वापस ले लिया। तो जब मियाँ डीटो ने देखा कि घोड़ा वापस, वो फिर गया साहूकार और उसके पास, बुजुर्ग के पास, कि घोड़ा क्यों वापस ले लिया? तो वो कहता मैं गरीब हूँ, मैंने घोड़े को कहाँ से खिलाना पिलाना है, तो इसलिए मैंने आटा चावल वगैरह ये ले लिया। तो मियाँ डीटो बोलते ठीक है, और उन्होंने फिर अपने गले से हार उतार के भी उसको दिया कि ये भी तुम ले लो। तो लोग आथाएं तो उसी टाइम पे शुरू हो गई थी उनकी, लोग उसी टाइम पे गाना शुरू हो गए। तो ऐसे और भी बड़े इंसिडेंट्स हैं। जैसे पहले क्या था कि जब सिख कैंप्स थे यहाँ पे, तो वो हमारी जो जम्मू की लड़कियां हैं उनके साथ उन्हें उठा के ले जाते थे सिख कमांडर, जैसे गेंडा सिंह है, पुरानी मंडी का था जो कमांडर, तो वो एक लड़की को उठा के ले आया था। तो वो जो आदमी गया फिर मियाँ डीडो के पास कि ऐसे ऐसे मेरे जो बेटी है उसको उठा के ले गया है, वो बेचारा वैष्णो देवी तक गया बूढ़ा आदमी। तो वहां से फिर उनकी जो मियाँ डीडो ने बोला कि तुम चिंता मत करो हम देख लेंगे। तो मियाँ डीडो वहां गए सिख कैंप पे, रात को 3 बजे उन्होंने अटैक किया और उससे पूछा, सारे मतलब डर गए सिख जो थे वहां पे, और उन्होंने पूछा उसको हिला के कि कहाँ है बेटी, कहाँ है गेंडा सिंह की, उसको हिला के पूछा। तो वो तो जवाब देने के लायक नहीं था, फिर उसको वहीं पे मारा। मतलब कहते हैं कि उनकी बस तलवार चमकी और उसको मार दिया उसी टाइम, और उन्हें फिर क्वार्टर्स वगैरह सर्च किया और लड़की को वहां से निकाल दिया। ये एक इंसिडेंट है। एक और इंसिडेंट है जहाँ पे चंपा सिंह का एक काना चक का कमांडर, उसने भी एक जुरा लंगे, एक बलवाल की एक बेटी थी उसकी, बड़ी सुंदर थी उसकी, काफी वो लोग जानते थे कि सुंदर है। तो वो चर्चा वहां तक चली गई, उसके पास में न्यूज पहुंची तो उसने उसका हाथ मांग लिया बाप से। तो वो भी बेचारा कुछ कर नहीं पाया उस टाइम, उसने हाँ बोल दिया, बोलता ठीक है मैं अपनी बिरादरी से पूछता हूँ। तो वो मियाँ डीडो के पास गए, बोला कि इस तरीके से मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वो बोलते तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, तो हम देख लेंगे, तुम शादी की तैयारियां करो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने किया, वो सिख जनरल के पास गया, उन्होंने बोला कि मैं तो गरीब हूँ, तो खाने पीने का इंतजाम आप ही कर लो, तो बाकी मेरी डोगरा बिरादरी आएगी। तो सिखों ने 2 दिन पहले ही शादी से वहां पे कैंप लगा लिया। वो जो कैंप उन्होंने लगाया, फिर उसके बाद एकदम से वो कैंप, वो गांव पे खाना खा रहे थे, वो नाच गा रहे थे, शराब पी रहे थे, तो वो अटैक किया मियाँ डीडो ने। और इस टाइम पे सुनने को आता है कि 250 कोई सिख कमांडर जो उन्होंने मारे थे, 250 सिख सोल्जर्स वहां पे मारे थे। तो ये न्यूज रणजीत सिंह जी तक भी पहुंची थी। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि अच्छा है कोई कैरेक्टरलेस बंदा, चलो उसको मार दिया, लेकिन जो सिख सोल्जर्स इतने सारे मरे उसका भी उनको बड़ा दुख लगा कि ये तो एक मेरे लिए पनौती बन गया मियाँ डीटो, तो इनका कुछ करना पड़ेगा। एक ही इंसिडेंट था, एक वही साहूकार वाला मैंने आपको बताया कि एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, तो वहां भी गए साहूकार को बोला कि इनकी जमीनें वापस दो। तो वहां भी उन्होंने साहूकार से उस टाइम घोड़ा लिया था जो दरेस को दिया। तो ये काफी सारे इंसिडेंट्स हैं, और भी इंसिडेंट्स हैं मैं आपको बताऊं। ये हाँ जी, इनफैक्ट आप उसके पहले मैं जस्ट ये कहना चाह रही थी कि ये जो इंसिडेंट्स, खासकर आपने कहा कि जम्मू की जो लड़कियां थी, हमारी बेटियां थी, उनका भी काफी शोषण जो था, एक्सप्लॉयटेशन ये कर रहे थे जो सिख कमांडर्स थे। और मियाँ डीडो का जो ये एटीट्यूड था कि हमारी लड़कियां, हमारी बेटियों को रख कि हमें हमें रक्षा करनी है, ये इंसिडेंट्स मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे लगता है कि दिस इज एन एग्जाम्पल इन इट सेल्फ और इंस्पिरेशन है। ऐसी चीजें जब सुनते हैं तो हमें इंस्पिरेशन लगती है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि वो ये भी ध्यान रखते थे कि अगर किसी बेटी को वो बचा कर लाए हैं
तो उसकी सेटलमेंट, उसकी शादी हो जाए, वो उसके घर वालों को बोलते थे कि आप इसकी शादी कर दो, मैं उस शादी में मदद भी करूंगा। ये अपने में एक एक मिसाल है कि वो कितना ध्यान रखते थे, और उनके लिए ये जो जम्मू क्षेत्र था या ये जो लैंड थी और उसके रहने वाले थे, वो सब अपने थे, उनको वो अपना एक परिवार सा मानते थे, और इतनी रिस्पेक्ट विमेन की, जबकि वो इतना पावर यील्ड करते थे, वो कुछ गलत भी कर सकते थे, लेकिन इसके साथ उनका कैरेक्टर भी कितना अच्छा था, उनकी फिजिकल पावर के साथ साथ और मार्शल स्किल्स के साथ साथ, ही वॉज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी। तो ये तो अमेजिंग है, ये बहुत ही अच्छा लगता है कि ही इज अ रोल मॉडल, दैट इज व्हाट वी कैन से। तो एक और और आप क्या इंसिडेंट, इंसिडेंट हाँ बता रही थी जी? मैं एक और इंसिडेंट आपको बता रही थी। ये कांगड़ा का इंसिडेंट है। तो वहां पे इनको इनवाइट किया गया था, और फतेह सिंह थे वहां पे राजा। उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखे थे। एक तो वो बुल फाइट होती है, जो वहां पे मियाँ डीडो ने, कहते हैं कि वो दोनों हाथ से दो बुल्स को वहां पे रोका था। और एक और चीज थी वहां पे, उन्होंने बड़े सा पेड़ कटवा के उसका एक क्या कहते हैं वो पाला टाइप का वो बनाया था, उसको घुमाना होता है, तो कोई भी वहां पे घुमा नहीं पा रहा था। तो मिया डीडो को वहां पे जब वो गए तो उन्होंने बड़े आराम से उसको घुमा लिया। तो वहां पे वो शक्ति प्रदर्शन उनका देख के काफी लोग वो इंप्रेस हुए, और बाकियों को भी इन्वाइट किया कि आओ कोई घुमा लो, कोई है कोई, मतलब कोई नहीं सामने आया, नहीं घुमा पाया। और फिर एक बसोली के एक वो थे, बसोली का एक लड़का था, उसको बुलाया, उसने भी घुमा लिया। फिर मियाँ डीटो हंसे जोर से, कहते घुमाया तो रावी के उस पार वालों ने ना, डोगरा नहीं ना घुमाया ना, तो इधर से तो कोई घुमा नहीं पाया। तो एक इंसिडेंट ये है। एक और इंसिडेंट है जिसमें मेंशन किया जाता है सोर्सेस में, या ये जो हमारी लोक गाथाएं हैं, कि एक बार एक बूढ़ी औरत जा रही थी अपनी बेटी को लेके, क्योंकि उसको बेटी के लिए एक सिख जनरल ने बोला था कि इसको हम ले जाएंगे उठा के। वो बेचारी जंगलों में चल पड़ी, फिर आगे उन्हें रास्ते में मियाँ डीडो मिले। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो माता जी, कहाँ जा रहे हो? वो बोलते कि मैं जा रही हूँ, बड़ा डर है वहां पे सिख जनरल्स का। तो वो बोलते कि अभी जंगल में कहाँ जा रहे हो आप? कहते वो तो ठीक है मैं जा रही हूँ, ये बता डीडो तो नहीं है ना इधर? तो मियाँ डीडो कहते क्यों? तो बड़ा डकैत है, वो लूट मार करता है सुना है। वो कहता मैं ही डीडो हूँ, और आपकी बेटी मेरी बेटी है, तो कोई बात नहीं, हम इसकी शादी कराएंगे, आप आराम से रहो। और उनकी पूरी हेल्प की और शादी भी कराई उस लड़की की। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट्स है, एक नहीं है, अगर हम देखें तो बहुत सारे इंसिडेंट्स। बाकी इनके फोकलोर बैलेट्स हम आपको पढ़ के बताना चाहूंगी। एक इनकी जो मैं पार्ट, जी मैं आपसे पूछने वाली थी कि इंसिडेंट्स इतने हैं, और इनफैक्ट क्या सोर्सेज हैं, मतलब अगर आज हमें या कोई पढ़ना चाहता है मियाँ डीडो के बारे में, ये एक अमेजिंग फोक हीरो, हिस्टोरिकल फिगर, मतलब फोक हीरो एज इन एक किसी का फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली वो थे, उन्होंने ये सारी चीजें की। तो अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो क्या सोर्सेज है, एक तो मैं आपसे ले लूंगी, और मे बी हम चैनल में जब हम ये पब्लिश करेंगे वीडियो तो नीचे हम सारे सोर्सेज देंगे, बट उसके साथ आपने फोकलोर्स और बैलेट्स की बात की, तो कुछ उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि काफी कुछ जम्मू की हिस्ट्री जो है वो ओरल ट्रेडिशंस में है, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। ये डोगरी में है, ये जो इनकी बार है बैलेड है, वो मैं रीड करना चाहूंगी। और थोड़ा सा फिर मैं बता भी दूंगी कि क्या मीनिंग है इसका। जारा सिंह मीए दे कर डीटो जमया, जमया ओ बड़ा के पुआड़ा। वो पहली सट्टा डीटो दमाना लुटिया, दूजी बारी लुटिया जाई फलोरा। मतलब ये मेंशन कर रहे हैं कि मियाँ डीटो पैदा हुए मियाँ हजारी के घर में, और बहुत ही शैतान और बहुत ही पुआड़ा टाइप के थे, और डीडो ने तुमाना और फलोरा लूटा। अब ये जो लूटने वाली बात है, इसमें बोला जाता है कि जो एक्सप्लॉइट करते थे सिख कैंप्स, जो साहूकार थे उनको लूटते थे, ना कि आम जो हमारे डोगरास हैं उनको उन्होंने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उसके बाद तेरिया खबरा गई हैं तख्त लाहौर, मियाँ डीडो दिया खबरा गई हैं तख्त लाहौर। तो लाहौर तक तो इनकी खबरें गई थी। आई रल मिल फौजा बैरियां दिया, वो हथ नहीं आंदा डीडो जम्बाल। और डीटो जम्वाल किसी के हाथ आने वाले तो नहीं थे। बैरियां कंडी छोड़ी दे अपना मांझे दा मुल्क संभाल। और मियाँ डीटो सीधा बोलते थे कि मेरा कंडी एरिया छोड़ दो, अपना मुल्क संभालो, आप यहाँ मत आओ। तो बैरी तुप दे जाड़े फुहाड़े, वो हथ नहीं आंदा डीटो जम्वाल। वो बड़ी बड़ी मुंडियां बैरी दिया बंदा मियाँ गरने दे नाल। मुंडियां काट के वो गरने के साथ टांग देते थे। ए लटकन बैरिए दे सिर गरने नाल, ओ बैरिया अपना मुल्क संभाल, कंडी छोड़ी दे मेरी।
ਮੰਨੀ ਸਲਾਹ ਬੈਰੀਏ ਗੇਰਾ ਜੱਗੀ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਇਆ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਾਰਾ ਸਿੰਘੇ ਕੋਲ ਗਰਾਏ ਗਰਾਏ ਬੱਜੇ ਨੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਟੋਲ ਗਰਜੀਏ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀ ਤਲਵਾਰ ਨੀਆਂ ਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਖਰਾ ਬੈਰੀਆ ਜਾਣਾ ਪਾਇਓ ਨਾਈ ਇਹ ਤੁਸੇ ਸੱਤਰ ਕੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਗੇ ਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਮ ਯਹਾਂ ਮਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਾਲੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਯਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਈ ਬੈਰੀ ਕੱਟਣ ਪੇ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਬੈਰੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਥੇ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਥੇ ਮੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜਾਰਾ ਸਿੰਘੇ ਕੀ ਆਈ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਡਿੱਗੀ ਦਾ ਜਾਈ ਪਰ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਡੀਡੋ ਚੰਬੋਲ ਪੈਰੀ ਆ ਕੰਡੀ ਛੋੜੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂਜੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲ ਵੱਡੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬੈਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾੜੇ ਦੇ ਜਾਈ ਲੜਦਾ ਮੀਆਂ ਡੀਡੋ ਫਿਰੀ ਫਿਰੀ ਫੇਰਾ ਪਾਈ ਜਾੜੋ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜੋ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁਮਾਂ ਮੀਆਂ ਡੀਡੋ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਬੈਰੀਏ ਕੀ ਪਈ ਕੰਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋੜੀ ਜਗਤੀ ਮੀਆਂ ਹੱਟੀ ਚੱਲਿਆ ਮੱਲੀ ਦਾ ਜਾਈ ਚੜਿਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗਤੀ ਛੋੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੜਾਈ ਚੜ ਗਏ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਹਿਲਸ ਸਾਈਡ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਵਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਹੱਥ ਪੰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਤ ਮੇਰੀ ਮੱਲੀ ਦਾਰ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਚਰਨੇ ਆਈ ਉਹ ਬੈਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੇ ਆਈ ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇਈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗੇ ਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਡੋ ਜਮਵਾਲ ਇਸਦੇ ਜੰਮੂਆ ਕੰਡੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਜੰਮੂਆ ਕੰਡੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਵਹਾਂ ਛੋੜ ਗਏ ਉਨਕੋ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੁਝੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੋ ਤੋ ਅਬ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਠ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗੇਰਾ ਬੈਰੀਏ ਡਿੱਡੋ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈ ਰਲਮਲ ਰਲਮਲ ਬੈਰੀਏ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਚੜਿਆਈ ਕੇ ਆਈ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਡੋ ਚੰਬਾਲ ਬੈਰੀਏ ਕੰਡੀ ਛੋੜੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਬ ਉਨਕੋ ਘੇਰਾ ਡਾਲ ਲਿਆ ਥਾ ਪੂਰਾ ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫੌਜੋ ਨੇ ਘੇਰਾ ਡਾਲ ਲਿਆ ਥਾ ਛੋੜੀ ਚੜਿਆਈ ਮੀਆਂ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਮਿੰਨਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਦ ਪੈਰੀ ਨਿਆਏ ਮੇਰੇ ਪਦ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦੇਈ ਨਾ ਆਈ ਇੱਕ ਖੁੰਨੀ ਹੱਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾਈ ਮੇਰੀ ਛਾਇਆ ਰੋਂਦੀ ਤੇਰੇ ਔਰ ਨਾਈ ਛੋੜੀ ਤਾਰ ਮੀਆਂ ਡਿੱਡੋ ਚੱਲਿਆ ਜੰਦੇ ਕੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਬ ਉਹ ਗਏ ਨੀਚੇ ਆਏ ਤੋ ਉਹ ਲੜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੋ ਐਸੇ ਬੋਲਤੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਖੂਨੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਥੋੜੇ ਸੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਕੋਂਟਰਡਿਕਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਲਾਈਨਜ਼ ਹੈ ਬੀਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਚੜੇ ਆਈ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨੀ ਆਇਆ ਡਿੱਡੋ ਜੰਬਾਲ ਕਾਲ ਲਈ ਗਿਆ ਫੜੀ ਮੀਆਂ ਜੰਬਾਲ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਗਈਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਗਈਆਂ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਖਬਰੇ ਗਈ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਗਈ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਸੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਇੱਕ ਡੋਗਰਾ ਕੋ ਹੀ ਉਹ ਉਸਮੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌਂਪਣਾ ਪੜਾ ਜੋ 17 ਜੂਨ ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁਆ ਥਾ ਕੱਲ ਹੈ ਵੋ ਡੇ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਆਂ ਡੀਡੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੁਆ ਔਰ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕ ਥੇ ਜਿਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੰਮੂ ਜਿਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੰਮੂ ਲੈਂਡ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਬਚ ਪਾਈ ਡੋਗਰਾ ਲੈਂਡ आपने जो सुनाई बैलेड बहुत ही खूबसूरत थी बहुत ही सुंदर और एक पूरा एक चित्र सा बन जाता है उनकी पूरी लाइफ स्टोरी ऐसे रील जैसी चलती है हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे हीरोज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री या मूवी जरूर होनी चाहिए मतलब इसके जो विजुअली जो हम अगर इसको देख सकेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा एंड थैंक गॉड कि ऐसे बैलेड्स हैं और ऐसे सोर्सेज हैं कि हम यू नो एटलीस्ट हम रेफर कर सकते हैं कि ये कैसे हीरो थे इन्होंने क्या क्या काम किए तो अगर मैं आपसे फाइनल सवाल करूंगी शिवाली और आई वांट एन आंसर नॉट जस्ट एज अ हिस्टोरियन लेकिन आप खुद एक डोगरा हैं आप लोकल हैं आप क्या कहेंगी और एक आप मदर भी हैं तो आप क्या कहेंगी कि ऐसी स्टोरीज जो हमारे लोकल हीरोज की लोक नायकों की ये क्यों जरूरी है हमारे बच्चों को क्यों पता होनी चाहिए हमारे युवा को क्यों पता होनी चाहिए कोई कह सकता है कि भाई हाँ हुए थे ये तो हिस्ट्री है ये पुरानी बात है यू नो बीत गई तो बात गई बट ये क्या इसका क्या इम्पैक्ट होता है इस पर आप क्या सोचते हैं मधु जी ये
डोगरा जो स्टोरी है ये हमारे हीरोज की, ये तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को, सभी डोगरास को पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये ट्विटर पे भी शेयर करती रहती हूँ स्टोरी सारी डोगरा हिस्ट्री की, ताकि हमारे एटलीस्ट डोगरास को तो पता चले कि क्या है, कौन हीरोज थे जो हमारे लिए लड़े, जिनका नहीं पता है, वो जो फोकलोर चलते आ रहे हैं अब वो अब नहीं है, वो थोड़े से लिखे गए थोड़े नहीं लिखे गए, लेकिन ये इन चीजों का पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बाहर क्या बताएंगे, या हमें ही नहीं पता होगा हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, और अगर बच्चे सीखेंगे तो तभी तो उन्हें पता चलेगा ना। तो और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे इनका स्टैचू है अम्फला में, इनका स्टैचू है जगती में, इनका थोड़ा सा वो बनाया तलवार है और थोड़ा सा वो बनाया, मुझे लगता है कि इनको जगती को तो एटलीस्ट वहां पे इनका स्टैचू लगाना चाहिए, एक बड़ा सा एक उनको एक प्लेस बनाइए उनके लिए कुछ स्पेशल, या अगर वहां पे भी बनाया है अम्फला में वहां भी कुछ लिखा नहीं है इनके बारे में, तो जगती में ही बोर्ड लगाइए बड़ा सा, उस पर थोड़ी सी स्टोरी लिखिए कि इन्होंने क्या किया है, मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है। कुछ लोग हैं वो जानना चाहते हैं, अम्फला के ही लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जानना चाहते हैं कि कौन है भाई, किसका स्टैचू है, मुझे पूछा था किसी एक बार किसी ने कि किसका स्टैचू लगा है, लोग तो जानना चाहते हैं, आप लिखिए बोर्ड लगाइए वहां पे थोड़ी सी स्टोरी लिखिए। नगरोटा में भी इवन वो मुझे लगता है कि एक प्लेस होना चाहिए स्पेशल इनके लिए, जहाँ पे स्टोरी भी हो, इनका बोर्ड हो, स्टैचू भी लगे, लोगों को अपने हीरोज का तो पता होना चाहिए ना, अपने हीरोज का नहीं पता होगा तो फिर बाहर का क्या, बाहर को तो बाहर वाले तो बिल्कुल ही, तो लोग तो मार। ये जो आप बोल रहे हैं कि जगती और नगरोटा को अब हम एसोसिएट ही नहीं करते मियां डीडो के साथ, मतलब हमारे दिमाग में ऑफ कोर्स कश्मीरी हिंदुओं के माइग्रेंट कैंप एक आता है, वो भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और यू नो वो हमें आता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके पहले वो मियां डीडो उस गांव से थे, उस जगह से थे, जगती नगरोटा से। और बहुत सही है, वहां पे किसी ना किसी तरह का कोई एक या तो सेंटर होना चाहिए, अगर आप बाहर जाएं तो वो अपने छोटे छोटे जो एक पर्यटक स्थल होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स होती हैं, या थोड़ी भी हिस्ट्री का कुछ भी रिलेटेड होता है उसका, वो इतना बोर्ड लिखेंगे, उसका एक छोटा सा सेंटर बना देंगे, उसमें चार चीजें ही होंगी, लेकिन इतना वो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। और यहाँ हमारे पास एक ऐसा हीरो है जिसके बारे में लोकल्स, मतलब एक तो भारत में ही जम्मू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पे लोकल्स में भी ये प्रॉब्लम है कि लोकल्स भी नहीं जान पा, यू नो उनको भी नहीं पता, अम्फला आप जैसे बता रहे हैं ये ही नहीं मालूम है किसकी स्टैचू लगी हुई है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात, अनफॉर्चुनेट चीज क्या हो सकती है, अपने लोकल हिस्ट्री नहीं पता होगी तो लेगेसी नहीं पता होगी, व्हाट विल यू एस्पायर टू बिकम, एस्पिरेशन तो उससे सेटिंग होती है ना, गोल सेटिंग की, क्या लोग थे, क्या किया है उन्होंने। एंड यहाँ एक मियां डीडो है जिन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए मतलब वो जिंदगी भर जो उनकी यंग लाइफ थी उसमें वो जंगलों पहाड़ों में वो दौड़ते ही रहे, उन्होंने लड़ाइयां ही की ताकि हम फ्री रह सकें, कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव जो साहूकारी सिस्टम जो आप कह रही हैं वो उन्होंने होने नहीं दिया कि कोई जम्मू से सिर्फ ले जाए उसको निचोड़ के, ना उन्होंने जम्मू की लड़कियों के साथ कोई बुरा होने दिया, लोगों की इतनी मदद की, ही वन पीपल्स हार्ट्स रियली। तो अगर ये हमें नहीं मालूम होगा तो हम कैसे एस्पायर करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप चूंकि स्कूलों से जुड़ी हुई हैं तो ये क्या स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है अभी जम्मू में, क्या ये लोकल हीरोज? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी हमारे सिलेबस में नहीं है, और हम लोग तो वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं, जो मैं आपको बताऊं ज्यादातर जो सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रोमन एम्पायर एंड ऑल दैट, वही पढ़ा रहे हैं बच्चों को वही। पहले आप मुझे लगता है कि डोगरा हिस्ट्री को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में, सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। वैसे कुछ काम हुआ है अभी, जो 8th मुझे लगता है कि गुलाब सिंह का चैप्टर एक ऐड हुआ है, कुछ थोड़ा सा ऐड हुआ है थोड़ी सी चीजें, बट मुझे लगता है कि और भी ऐड होना चाहिए। एटलीस्ट हम पहले अपना अपनी हिस्ट्री पढ़े, बच्चों को पढ़ाएं, एक चैप्टर ही चलो किसी डोगरा हीरो पे वो ऐड हो जाए, जैसे ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी हैं उन पे भी एक चैप्टर मुझे लगता है कि होना चाहिए, और मियां डीडो पे भी होना चाहिए। तो ये हम तो मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अमर चित्र कथा बहुत पढ़ी, उसमें जो हीरोज और बहुत सुंदर है अमर चित्र कथा जो सीरीज है,
लेकिन उसमें मैं खोजती रहती थी कि कोई ऐसा हीरो दिखे जो मेरे जैसा है, मेरी भाषा बोलता है, मेरा खाना खाता है, क्योंकि आपका जो लोकल हीरो होता है वो आइडेंटिफाइबल होता है, वो जो भाषा बोलता है डोगरी, जो हमारी भाषा है मातृभाषा, तो वो बोल रहा है, वो हमारे जैसा खाना खा रहा है, तो हम उसके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब जो हमारा फर्स्ट कनेक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट होता है, बहुत स्ट्रांग कनेक्ट होता है, ये कनेक्शन हम बना नहीं पाते। तो हमारे लोगों को तो ये हैम्पर करता ही करता है। और हम और हमारी रीजन की हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है ऑन अ नेशनल लेवल भी, कि बाहर अगर भारत के लोग भी नहीं जानते हैं ऐसे लोक नायकों को, तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और काफी अभी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है कि चाहे वो डोगरा हिस्ट्री हो, चाहे वो अहोम्स की हिस्ट्री हो असम में, या चोला किंगडम की हो, या हम्पी के बारे में हो, ऐसी चीजें बाहर नहीं आई हैं। होपफुली आने वाले कुछ वर्षों में इस तरह के ज्यादा एफर्ट्स लिए जाएंगे, इनिशिएटिव लिए जाएंगे। और मैंने आपसे पहले कहा था, आखिरी सवाल है, बट फिर भी मैं पूछूंगी कि जब तक ये एफर्ट्स नहीं होते, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हम विदाउट दैट गवर्नमेंट या स्टेट सपोर्ट, पेट्रनेज, हम क्या कर सकते हैं ये सब हिस्ट्री को आगे देने में, अपने बच्चों को देने में या बचाने में? सबसे पहले तो स्टेप आपने उठाया है, जैसे ये जो डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे हैं या वीओडी जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा है। आपने ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जी पे, गुलाब सिंह जी के काफी वीडियोस आपने डाले हैं, तो यही चीजें हमें चाहिए जो जनता तक पहुंचे, हम लोग शेयर करें, हम खुद भी एक्चुअली जाके कहानियां सुना सकते हैं। मैं तो सुनाती हूँ, मियां डीडो की कहानी मैं हर जगह सुनाती हूँ, क्लास में भी मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं सुना देती हूँ। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है मेरे सिलेबस पर, मैं फिर भी सुना देती हूँ, महाराजा गुलाब सिंह जी की सुना देती हूँ। और ये सारी चीजें एक्चुअली हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जहाँ हमें मौका मिलता है थ्रू डॉक्यूमेंट्री और थ्रू दीज काइंड ऑफ वीडियोस, क्योंकि बच्चे देखते हैं यूट्यूब वीडियोस, बच्चे देखते हैं, इसके थ्रू भी हम बता सकते हैं, या हमें बार बार कुछ ऐसी चीजें या स्कूल्स में जाके कुछ शेयर करना पड़ेगा या लेक्चर्स देने पड़ेंगे। तो वो चीजें हैं, स्कूल में एक है कि रिस्ट्रिक्शन होती है, तो हम क्लास में हम आराम से सब कुछ, मैं तो जरूर शेयर करती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपनी ही क्लास नहीं लेती, कभी कभी हमें एडजस्टमेंट होती है, हमें दूसरी भी क्लासेस लेनी पड़ती है और भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो मैं सब जगह जाके अपनी हिस्ट्री जरूर पढ़ाती हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट अपना तो बताओ कौन राजे महाराजे थे, नहीं पता होता बच्चों को, तो बच्चों को मुझे लगता है कि बाकी वालों को भी नहीं पता होता, बच्चे तो चलो छोटे हैं, तो मैं शेयर करती हूँ। और मैं मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। जो व्हाट्सएप हम इतने मैसेजेस भेजते हैं तो ये क्यों नहीं शेयर करते? तो इसीलिए मैंने अपना ट्विटर का भी मैंने अकाउंट इसीलिए बनाया था ताकि मैं ये हिस्ट्री थोड़ी शेयर कर सकूँ, जम्मू की हिस्ट्री, डोगरा हिस्ट्री शेयर कर सकूँ। और मैंने किया भी, आपको पता है, और जैसे आप भी करते हैं काफी सारी, मुझे लगता है इसी तरीके से हम बच्चों तक या हमारी जो डोगरा जनरेशन तक है पहुंचा सकते हैं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, सबसे ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, कोई भी मीडिया हो, तो मुझे लगता है यही है जो है सही रास्ता कि इसके थ्रू हम बता सकते हैं। बहुत अच्छा बोला, क्योंकि कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन सेट इन होती है कि ये नहीं, कोई सरकार ये नहीं कर रही है या ये इनिशिएटिव नहीं कोई ले रहा, तो हमें खुद भी अल्टरनेटिव जो हमारे एफर्ट्स हैं वो हमको लेने ही पड़ेंगे। और वो चाहे अब मैं कहूंगी जो आपको मतलब यहाँ पे हमारा आज देख रहे हैं कि आपका ट्विटर हैंडल फॉलो करें, या वॉइस ऑफ डोगरास का यूट्यूब चैनल, या हमारे भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो करें, बिकॉज ये वही कोशिश है हमारी कि एक ऑल्टरनेटिव तरीके से, जब तक चीजें नहीं बदलती हैं सिस्टमिक तरीके से, तो हम एटलीस्ट ये ऑल्टरनेटिव सोर्सेस तो हो हमारे पास। और आई थिंक मदर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वो पहली स्टोरी टेलर होती है, तो छोटे बच्चों को अगर वो ये कहानियां सुनाए, और हम जानते हैं हमारे सामने शिवाजी और जीजाबाई का एग्जाम्पल है कि यू नो शी इज दी पावर बिहाइंड, यू नो शी इज द किंग मेकर, बेसिकली द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, एक कहावत है और बहुत सही भी है। तो हम ये कहानियां सुनाएंगे तो हमारा बच्चा वही शेप लेगा, और हमारे यूथ को एटलीस्ट हम सोशल मीडिया पे ये चीजें कह सकते हैं। सो आपका फाइनल कमेंट क्या होगा कि मियां डीडो अगर हम बोलें तो क्या हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो तीन चार चीजें, ये आप फाइनल कमेंट में कैसे डिस्क्राइब करेंगे मियां डीडो को? सबसे पहले तो अगर हम मियां डीडो की बात करें तो मुझे लगता है एक ट्रू डोगरा वॉरियर जो है वो फिगर आती है, ट्रू पीपल्स हीरो, रॉबिन हुड ऑफ जम्मू, ये चार पांच चीजें हैं जो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी। और एक पैट्रियॉट जो मतलब अपनी डोगरा लैंड के लिए जिसने अपनी बलिदान दी, अपनी जान दी, मुझे तो लगता है वो एक टाइप के रेवोल्यूशनरी थे सबसे बड़े, क्योंकि
जिस तरीके से हम इंडियन रेवोल्यूशनरीज पढ़ते हैं, भगत सिंह वगैरह हम उनको पढ़ते हैं, तो वो हमारे डोगरा लैंड के रेवोल्यूशनरीज थे, उनके साथी भी जो उनके साथ थे, तो बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने जो है सिख एम्पायर के अगेंस्ट अकेले ही खड़े हो गए, और कुछ कितने ही लोग थे उनके साथ, 50, क्योंकि पहले 200 थे, फिर उन्होंने कुछ इधर उधर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए जब वो गलत, उन्होंने उनको निकाल दिया, तो 50 मुझे लगता है हार्डली लोग उनके साथ थे जिनके उन्होंने इतने बड़े सिख एम्पायर को उन्होंने चुनौती दे के रखी थी। और एक टाइम ऐसा भी था कि वो अकेले हो गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो मुझे लगता है कि एक ट्रू जो है रेवोल्यूशनरी, एक ट्रू पैट्रियॉट, एक पीपल्स हीरो, जो हम मैं मियाँ डेडो को बोलना चाहूंगी। और हम मैं तो इतना मुझे बहुत प्राउड है कि मैं ये उनकी स्टोरी सुना रही हूँ, आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। और आपका भी मैं थैंक्स कर रही हूँ कि आपने मुझे इसके लिए इनवाइट किया, थैंक यू। नहीं शिवाली, थैंक यू आपका वक्त देने के लिए, और बहुत सुंदर आपने, आई थिंक आपने सम अप कर दिया कि वो एक ट्रू पेट्रियॉट, ट्रू रेवोल्यूशनरी वो इस किस्म के थे, और इतनी बड़ी सिख एम्पायर को चैलेंज करना, इतना वो दम रखते थे, और उन्होंने नाक में दम किया भी हुआ था अपने एक क्षेत्र को बचाने के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए, स्वाभिमान के लिए, लोगों के, उन्होंने इतना कुछ किया। कभी किसी मतलब अपनी तलवार किसी अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं उठाई, अपना पावर उन्होंने कभी मिसयूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों की इंटरेस्ट के लिए अपनी तलवार उठाई और उसको चलाया। तो डेफिनेटली बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। थैंक यू सो मच वाली, आपने इतनी सुंदर तरीके से सुनाई। हम आपसे और भी इस तरह के सेशंस करेंगे डोगरा हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, खुद जम्मू के लोग नहीं जानते और भारत के लोग भी नहीं जानते, तो हम ये इस तरह के सेशंस करते रहेंगे। सो बाकी जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहें, हमारे वीडियोस आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।